जिले भर के 5,000 से ज्यादा किसानों ने एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा निकाली। ट्रैक्टर से सवार होकर अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने आवारा पशुओं से परेशान होकर उन्हें पकड़ने की जिलाधिकारी से मांग की। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के कलेक्ट्रेट का है, जहां आज अमरोहा जिले भर के 5,000 से ज्यादा किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दानवीर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष किसानों को खालिस्तान जैसे शब्द यूज किए गए थे। 26 जनवरी के दिन तिरंगा यात्रा निकालकर उन लोगों को ये दिखा दिया गया जिन लोगों ने उन पर अभद्र टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांग की है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। जो आवारा पशु हैं उनसे किसान पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि रात को भी फसलें देखनी पड़ रही हैं। सरकार के दिमाग से 26 जनवरी ना निकल जाए, मुख्य उद्देश्य 26 जनवरी को आने का यहाँ ये है। जो हमारे साथ 26 जनवरी में वहाँ घटना घटी, जो हमें वहाँ आतंकवादी खालिस्तानी बताया गया, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं, हम देशभक्त हैं। इस देश को पैदा करके देने वाले लोग हैं, इस देश को छकाने वाले लोग हैं, यही आज का था। दूसरा मेन मुद्दा हमारा ये क्या नहर का जिले में चल रहा है, वो बहुत मेन मुद्दा है। उन किसानों को मुश्किल से 50,000 रुपये बीघे की कीमत मिल रही है, जबकि वहाँ कीमत 1 करोड़ रुपये बीघे की ज़मीन की है। तो दूसरा मुद्दा हमारा ये भी था। तीसरा मुद्दा गन्ना मूल्य अभी तक आधे सीजन से ज़्यादा निकल गया, अभी तक किसान को यही पता नहीं उसे भाव मिलेगा क्या, पर्ची पर उसका 0-0 लिखवाया आ रहा है। तीसरा मेन मुद्दा ये है, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ आए हैं। आवारा पशुओं की आप हालत देख रहे हो क्या है, किसान पे पहली बात तो दो दो चार चार बीघे जमीन है, उसे ही पशु खाए गए। ये किसान कैसे अपना भला करे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है और इसी विषय को लेकर यहाँ आए हैं। वो मांग करते हैं कि आवारा पशुओं से भी निजात दिलाने के लिए उन्हें जल्द पकड़ने का काम किया जाए।